बॉलीवुड के किंग खान यानी कि अभिनेता शाहरुख खान पर इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद इस वक्त हर तरफ हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि आर्यन खान को क्रूज में हो रही ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी मामले में आर्यन को कस्टडी को लेकर पूछताछ चल रही है। पूछताछ के दौरान आर्यन टूट गए हैं और इंटरोगेशन में अपने आंसू नहीं रोक पा रहे, इसीलिए बॉलीवुड के कुछ मशहूर सितारे उनका साथ देने और उनका हिम्मत बढ़ाने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतरे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जहां आर्यन खान को नसीहत देने वाले ये सितारे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं ये खुद भी अपनी गलतियों की वजह से जेल जा चुके और काट चुके हैं कोर्ट के चक्कर। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के सितारों से रूबरू कराने वाले हैं, जो खुद भी जेल जा चुके हैं और काट चुके हैं कोर्ट के चक्कर। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं उन्हीं सितारों से। नंबर एक, सलमान खान। इस लिस्ट की पहली कड़ी में भाईजान कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता सलमान खान का नाम शुमार है, जो शाहरुख खान के नवाबजादे आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में उन्हें सपोर्ट करके नसीहत दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जहां ये इन्हें सपोर्ट कर रहे, वहीं ये खुद भी जा चुके हैं जेल और काट चुके हैं कोर्ट के चक्कर। जी हां, इन्होंने साल 1998 में जोधपुर में हम साथ साथ मूवी शूटिंग के दौरान एक काला हिरण की हत्या कर दी थी, जिस वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा था और इसी वजह से इन्हें काफी समय तक कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ रहे थे। नंबर दो, अजय देवगन। अब बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सिंघम कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता अजय देवगन के बारे में। तो आपको बता दें, इन्हें आर्यन खान ड्रग्स केस के बारे में खबर मिली तो ये काफी ज्यादा शॉक हो गए और ये उन्हें सपोर्ट करने लगे। पर क्या आपको पता है, ये खुद भी जा चुके हैं जेल और काट चुके हैं कोर्ट के चक्कर। जी हाँ, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की मस्त मस्त कहे जाने वाली अभिनेत्री रवीना टंडन से प्यार करते थे, पर जब रवीना टंडन ने इन्हें प्रपोज किया तो इन्होंने उनके प्यार का प्रपोजल ठुकरा दिया, जिसके चलते रवीना टंडन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। लेकिन खबरों के मुताबिक ये खबर झूठी निकली, जो बाद में अफवाह साबित हो गई थी। नंबर थ्री, कंगना रनौत। इस लिस्ट की तीसरी कड़ी में बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा कंगना रनौत का नाम शुमार है, जिन्हें जब आर्यन खान ड्रग्स केस के बारे में पता चला तो इन्होंने उन्हें सपोर्ट किया और काफी सारी नसीहत दी। पर बावजूद इसके आपको बता दिए, खुद भी अपने एक केस के चलते जेल जा चुकी हैं और काट चुकी हैं कोर्ट के चक्कर। जी हां, आपको बता दे, एक वक्त था जब अभिनेता अदित पंचोली और कंगना रनौत का लव अफेयर काफी सुर्खियों में था। दोनों का रिश्ता काफी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसमें इन दोनों के बीच दरार आ गई और ब्रेकअप के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके बाद अदित पंचोली ने इनके ऊपर शारीरिक हिंसा और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, पर कुछ समय बाद इसे अफवाह करार कर दिया गया। नंबर फोर, संजय दत्त। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के संजू यानी कि अभिनेता संजय दत्त, जो आर्यन खान ड्रग्स मामले को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुए हैं और उन्हें नसीहत देने लगे हैं। पर आपको बता दें, इन्हें भी ड्रग्स केस के मामले में ही जेल जाना पड़ा था और लगाने पड़े थे कोर्ट के चक्कर। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि करियर की शुरुआत में ही वो किसी न किसी विवाद से घिरे रहते थे, जिस वजह से इन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, जिसकी खबर मिलते ही उन्हें कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी गलती को माना और कहा ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, जिस वजह से इन्हें माफ करके छोड़ दिया गया। लेकिन बात कितनी सच है या झूठ, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। नंबर फाइव, मिथुन चक्रवर्ती। इस लिस्ट के आखिरी कड़ी में डिस्को डांसर कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का नाम शुमार है, जो आर्यन खान ड्रग्स केस के मामले की खबर सुनकर काफी ज्यादा हैरान है और वो आर्यन को अपने बेटे जैसा मानते हुए उन्हें सपोर्ट करने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें, जहां ये उन्हें सपोर्ट कर रहे, वहीं इन्हें भी अपने बेटे की वजह से जेल जाकर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। जी हां, बॉलीवुड के दमदार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय के ऊपर भी एक लड़की के रेप और जबरदस्ती अबॉर्शन कराने का आरोप लगाया गया था, जिस वजह से इनके बेटे महाक्षय को जेल जाना पड़ा था और उसी के चलते इन्हें अपने बेटे को छुड़वाने के लिए काफी सारे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। तो दोस्तों, आपको इन सितारों के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।